इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों भारत ने भी एक हजार करोड़ रुपए नेपाल को दिया है अभी एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री नेपाल के टूर पर गए दो दिनों के लिए उन्हें विदेश मंत्रालय की मीटिंग है जिसमें उन्होंने नेपाल को एक हजार करोड़ नेपाली करेंसी यानी कि पचहत्तर मिलियन यूएस डॉलर देने की बात की है जिससे कि भारत और नेपाल की एक अच्छी रिलेशनशिप बनेगी और हम लंबे समय तक एक दूसरे के दोस्त रहेंगे देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा जीवन में कि आपसे हमेशा किसी की मित्रता होती है तो उसके पीछे डिपेंडेंसी बनी होती है जब कोई देश आपसे मित्रता रखता है तो उसके पीछे डिपेंडेंसी जरूर होती है जब उसको आवश्यकता पड़ेगी कि दूसरे हमें उस आवश्यकता को पूरा कर देगा उस दिन वो आपसे दुश्मनी ले ही लेगा जिस प्रकार से अभी से नेपाल कुछ समय पहले जब चीन कर्ज दे रहा था तो वो चीन के गोद में जा बैठा था ये नेपाल की गलती नहीं है ये पूरी दुनिया की यही मानसिकता है कि जो दे पहले उसी से लो जब चाइन अमेरिका को चीन से फायदा थे तो चीन का दोस्त आज भारत से फायदा है तो भारत का दोस्त चीन का दुश्मन है यह समय की फेर होती है वक्त वक्त की मार होती है जब जहां पे फायदा दिखे दुनिया को वहीं बढ़ना चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई अपना नहीं होता हमेशा याद रखिएगा अगर विश्व में आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा पैसा फेंकीये और पैसा देखिए यानी कि जिसको भी मित्रता करना पहले आप उससे पैसे से मित्रता कीजिए और केवल पैसे से ही डिपेंडेंसी बनाई अगर आपने उससे सच्चा दोस्ती के सोच लिया कि मरो काटो जियो मारो की नीति अपना लिए तो आप बर्बाद हो जाइएगा अगर आपकी मानसिकता है कि इस हिसाब से देखें तो रूस ने हमारा सहयोग किया था तो भाई हम इस पर कभी और चर्चा कर लेंगे कि रूस ने हमारी सहायता क्यों की थी और रूस हमारे उस प्रकार के मित्र नहीं है जिसे आप सोचते हैं आपकी गलत मानसिकता खैर हम बात को आगे ले जा रहे हैं तो दोस्तों हमने कहा नेपाल के बारे में तो नेपाल हम एक हजार करोड़ रुपए दे रहे हैं तो इससे पाकिस्तान को भी काफी चिड़ है पाकिस्तान को इसलिए जलन है कि उसका कहना कि अगर हम भारत से दोस्ती रखते और भारत से शुरू से ट्रेड रखते अच्छा विचार रखते ट्रेड ना बंद करते काश्मीरी मुद्दा को लेकर के तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी आगे होती है और पाकिस्तान हमें भारत हमें भी पैसा देता हम इस चीज़ को नहीं कह रहे हम कह रहे हैं कि भारत सरकार की एक लंबी दूरी देखिए देखिए एक बात हमेशा रखिएगा जो एस जयशंकर हैं वो कहीं भी जाते हैं और कोई भी काम करते हैं मैंने एक चीज़ देखा है कि कांग्रेस बीजेपी की सत्ता में कि मोदी जी हो अजीत डोवाल हो या एस जयशंकर हो या अमित शाह अगर आज किसी कानून को ला रहा है या कुछ बोल रहा है तो उसकी प्रॉफिट या उसके ऊपर जो प्रभाव वो दो चार साल बाद दिखता है यानी आज की दी गई कार्यक्रिया चार साल बाद की प्रभाव होती नेपाल के ऊपर जो पैसा दिया गया है वो आने वाले भविष्य में इसका प्रभाव दिखेगा खैर दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि नेपाल को जो भारत सरकार ने पैसे दिए वो सही है या गलत है मैं इस चैनल पर हमेशा करंट अफेयर्स और अब नई वीडियो जो भी लेकर के आऊँगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप और भारत के ऊपर दुनिया के साथ क्या हो रही है और मैं भारत की हर घटनाओं पर रखूंगा दुनिया की हर न्यूज़ को देखने के लिए हर ऐसे न्यूज़ जिससे भारत के भविष्य को प्रभाव पड़ेगा अगर आपको ऐसे न्यूज़ों में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ आप अगर हमारे पहले वाले जैसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल आरजे रोशन में चले जाइए आपको वहाँ पे वो वीडियोस मिल जाएंगे मैं उसे वहाँ ही डालता हूँ इस चैनल पर अब केवल करंट अफेयर्स और भारत के किसी और देश के साथ रिलेशन और ट्रेड को ही केवल मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रूल से मैं चलूँगा ये मेरी चैनल अब केवल और केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ों के साथ चलेगी तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नेपाल को भारत सरकार ने जो एक हज़ार करोड़ रुपए दी वो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं वो भी अपनी बात को जरूर रखें जय हिंद जय भारत